तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर ये भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे ये कहा, लोगों का कहना ठीक ही है, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूँगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूँगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ओह यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। अनुवाक्य, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। जैसा कि पहले मेरी बा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था, उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 32 से 35 तक। पाठ का मूल संदेश है, जो कुआरी है वही प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता न हो। जो अविवाहित हैं वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह इस दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है, वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे
तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहिता है वह इस दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाना चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया। अनुवाक्य अलेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। अनुवाक्य अलेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक। कफरनहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे यहूदियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने ये कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झंझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। ये अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।